जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, क्या है खास, क्या है बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 4:2:1 इनका रेशियो है। बैलेंस शीट दी है, सारी के सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे रिलेशन के डेबिट साइड, एक्सेप्ट कैश एट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड में जाता है। क्रेडिटर और मिसेस बीज लोन क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के जाएगा। इसके बाद आगे की बातें करें, रियलाइजेशन है। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती हो सकती है या हो जाएगी। ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस। ये जो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आगे दिख रही हैं आपको, इनमें से ज़्यादा ए ले लेगा। जो चीज़ें कैश में पे होंगी उन्हें कैश में कराई जाएंगी, जो चीज़ कैश में रियलाइज होंगी कैश में ही कराई जाएंगी। अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें ए टेक ओवर कर लेगा, एक्सेप्ट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक वैसे भी टेक ओवर नहीं करा जाता और वो करना भी नहीं चाहता। स्टार्ट करते हैं एक एक करके गाइस। सबसे पहले आप ट्रांसफ़र करिए सारी एसेट्स को। कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट मतलब सबसे पहले बनाया जाएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हमारा खूबसूरत सा अकाउंट बनाया जाएगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले खूबसूरत सा अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें डेबिट साइड डालेंगे 2 गुडविल 12,700 रुपीज़ की, 2 लीज होल्ड प्रेमिसेस 1 लाख रुपीज़ की, 2 प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज़ की, 2 स्टॉक अगेन 60,000 रुपीज़ का, 2 सन्ड्री डेटर्स 30,000 रुपये का। क्रेडिट साइड में तुरंत डाल लेंगे हम प्रोविज़न बाई प्रोविज़न 700 रुपीज़ का, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, कैश एट बैंक का प्रॉफिट लॉस जाएगा नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स और मिसेस बीज लोन, बी इज़ अ पार्टनर एंड मिसेस बीज लोन इज अ पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन, तो वो जो है वो आउटसाइड पार्टीज की तरह बाहरी लोगों की तरह क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर ये बी का लोन होता तो सेपरेट अकाउंट बनता, 35,400 और 15,000 बाई मिसेस बीज लोन। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं होगी, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके रियलाइजेशन करना है। लीज होल्ड प्रेमिसेस 60,000, बात यह है भाई बैंक नहीं ये ले रहा है सारी एसेट्स, ऐसा बोला हुआ है उन्होंने पहले ही। तो सबसे पहले बाई एज कैपिटल, क्योंकि ये सारी की सारी एसेट जो भी नीचे गिवेन है सब एक ही कैपिटल में जाएंगे, तो एक एक करके नीचे लिख ले रहे हैं इनको। प्रेमिसेस 60,000 रुपये की, प्रेमिसेस 60,000 रुपीज़ की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू, एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहे। गुड, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000, 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 वाली 12,000 कम करेंगे तो 48,000 रुपीज़ में वो ई क्या करना मैंने ट्रांसफ़र कर दी जाएगी एज कैपिटल में। आगे बढ़े, स्टॉक जो है 1/4 स्टॉक जो है वो 33.33% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो है साहब हमारा जो भी स्टॉक है दैट इज 60,000 रुपीज़ का स्टॉक है, उसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए आप कितने पार्ट्स करेंगे? दो पार्ट तीन पार्ट जैसे इन्फॉर्मेशन दें। 1/4 जो स्टॉक है, 60,000 का 1/4 होता है 15,000, 60,000 का 1/4 स्टॉक होता है दोस्त 15,000 का जो स्टॉक है, यहाँ लिखा हुआ 1/4 स्टॉक लिखा हुआ है, 1/4 स्टॉक का मतलब 15,000 का स्टॉक, 33.33 का मतलब होता है 1/3। 15,000 का जो स्टॉक है 1/3 बढ़ा दिया जाएगा तो 5,000 और बढ़ जाएगा तो 20,000 रुपये में आपके रियलाइज़ कराया जाएगा। रियलाइज़ मतलब एज कैपिटल लेकर जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 15,000 का स्टॉक है, 1/3 स्टॉक जो है वो 1/3 मोर वैल्यू पर जाएगा, मतलब 15,000 का स्टॉक है, 60,000 का 1/4 कितना होता है 15,000 कहाँ से आया? उसकी बुक वैल्यू, उसकी कॉस्ट स्टॉक की।
अब उसमें 1/3 और ऐड कर दिया जाएगा, अब उसमें 1/3 और ऐड कर दिया जाएगा, 5,000 रुपये जब हम और ऐड कर देंगे तो दैट इज 20,000 रुपीज़ में चला जाएगा। रिमेनिंग स्टॉक है 20% मोर देन द बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक कितना है आपका 45,000 रुपये का, रिमेनिंग स्टॉक कितना है आपका 45,000 का, वो 20% मोर देन द बुक वैल्यू। जो भी इसकी वैल्यू है उससे 20% बढ़ा दिया जाए, जो भी इसकी वैल्यू है वो अगेन 20% बढ़ा दिया जाए। सर एक ही चीज़ का, एक ही स्टॉक ए और ए ही ले रहा है और वो अलग अलग कीमत में क्यों ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 1/4 स्टॉक ले रहा है 33% महंगा और बचा हुआ स्टॉक ले रहा है वो 20% महंगा। गाइस हो सकता है ये जो स्टॉक हो ये इतना अच्छा नहीं हो और ये जो स्टॉक हो उसकी ज़्यादा वैल्यू अच्छी हो, तो डिपेंड करता है। हो सकता है इसको हम बाहर बेचने वाले हों पर ये ना बोला ये भी मुझे ही दे दो इसी कीमत पर, ठीक है? तो गाइस आपको करना किस तरीके से, इसी तरीके से करना है कि जब भी किसी भी एसेट के अलग अलग तरीके से वैल्यूएशंस किए जाएंगे या रियलाइजेशन किए जाएंगे तो आप उनको टुकड़े में तोड़ लेंगे। आगे की बात करते हैं, संडे डेटर भी रियलाइज करा दी गए, मतलब लेके चला गया ए। सर कहाँ लिखा है बेटा ये लिखा ना, ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द एसेट, यहीं से लेकर कहानी शुरू होगी, सारी एसेट्स ए लेकर जा रहा है। सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ 5%, संडे डेटर्स थे आपके 30,000 रुपये के, 5% का प्रोविजन हटा दिया तो देट इज 28,500, देट इज 28,500। ये सारी एसेट जो है वो कौन लेकर गया है, ये मिस्टर ए लेकर गया है। क्यों? क्योंकि उसने बोला ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक नहीं लेकर गया क्योंकि वो वैसे भी नहीं था। सर गुडविल का क्या होगा, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इग्नोर। जब भी किसी एसेट्स के बारे में कुछ ना लिखा हो तो आपको इग्नोर करना है एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 60,000, 48,000, 108,000, 108,000, 128,000, 128,000, 132,000, 132,000, 132,000, 140,000, 70,000, 210,500, 210,500 रुपीज़, 210,500 रुपीज़ की सारी एसेट्स लेकर गया। आगे की बात करते हैं क्या है, मिसेज बीज लोन वॉज पेड इन फुल, बी का जो लोन है वो पे कर दिया हमने पूरे में जो भी उनकी वैल्यू थी, तो मिसेज बीज लोन जो था साहब वो था 15,000 रुपये का, तो 15,000 पे कर दिए। नेक्स्ट, एंड क्रिएटर्स वर प्रूव्ड एट 32,000, एंड द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 32,000, एंड वर टेकन ओवर बाई ए। अब यहाँ से कहा गाइस कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर जो आपने बी का लोन पे किया है ये तो ए ले गया है, क्योंकि वहाँ लिखा है गाइस ए के बारे में सिर्फ लिखा है सेंड्री क्रेडिटर्स के बारे में, कन्फ्यूजन ना लेना। सेंड्री क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है तो वो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले मिसेस बी ए बीज लोन वॉज पेड इन फुल, हम यहीं रुक गए, सेंटेंस खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, एंड नई कहानी यहाँ से शुरू होगी। तो पहले पे कर देंगे टू बैंक के हिसाब से बी के लोन, मिसेस बीज के लोन को, क्रेडिटर्स जो हैं वर प्रूव्ड एट 32,000 रुपये, क्रेडिटर जो हैं वो 32,000 के पे करने हैं, 32,000 से ज़्यादा नहीं देने, 35,400 के दे। वर्क टेकन ओवर बाई ए, इसका मतलब ये ए कैपिटल ले गया है, मतलब ये ए पे करने की बोल रहा है। इसके बाद की कहानी अगेन टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपया, 900 रुपया। इसके अलावा कुछ जानकारी है नहीं, दोनों लाइबिलिटीज़ पे कर दी, प्रोविजन पे नहीं किया जाता, ठीक है? गुडविल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं लिखा। ये वाली लाइन आपको अच्छे समझनी है कि हो सकता है गलती कर दें कि टू बैंक डाल दें या तो दोनों में, या टू एज कैपिटल डाल दें। गाइस पहला वाला मिसेज बीज लोन वॉज पेड इन फुल वो सेंटेंस पर रुक गया है, उसके बाद शुरू हुआ है जो क्रेडिटर है, जो क्रेडिटर है वो 32,000 के पे करने प्रूव्ड है, प्रूव्ड मतलब नई वैल्यू, और उनको ए लेकर जा रहा है। चलो भाई टोटलिंग करते हैं, सबसे पहले यहाँ की 3,10,600 आ रहा डेबिट का टोटल, क्रेडिट का करते हैं 2,10,000, 2,25,000, 2,40,000, 2,60,000, 2,61,600, 2,66,600, मतलब क्रेडिट का कम आ रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट को माइनस कर लेते हैं, 600 में 600 का 0 गया, 1 में 10 का, 10 में 9 बचा, 30 में 26 बचा, 49,000 रुपीज़ का आपका आ रहा है लॉस। कितने का लॉस आ रहा है दोस्त आपका, 49,000 रुपीज़ का। क्या लिखेंगे, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड
किस किस की कैपिटल में डालेंगे, ए बी और सी, ए बी सी है ना पार्टनर, हाँ 4:2:1 में जाएगा रेशियो, तो 7,000, 14,000 और 28,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, तुरंत के तुरंत आप लॉस जो है वो डेबिट में सेट ऑफ कर लो, अदरवाइज आप भूल सकते हैं इसको। 28,000, 14,000 और 7,000। इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व इधर तो कुछ नहीं था, इधर है प्रॉफिट एंड लॉस 8,400 का, ये अगेन डेबिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो कितने का 8,400 8,400 का है ना। चालीस सौ, 2,400 और 1,200, फिर लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, 1,30,000, 1,02,700 और 5,000। नेक्स्ट आगे बढ़े, इधर कहीं भी एस कैपिटल बीस कैपिटल का नाम होगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे, 2 एस कैपिटल है 32,000, लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना 32,000 रुपीज़ से ए पे करेगा लोन वो क्रेडिटर्स को, बाकी इधर एस कैपिटल कई सर्टेन एसेट्स ले गया जिसकी वैल्यू थी 2,10,500, बाकी बी और सी कुछ ना लेके गए ना कुछ लेकर आए, टू रियलाइजेशन एसेट्स अकाउंट एसेट्स का। अब कर दो साहब टोटलिंग, ज़्यादा कम क्या है, 1,30,000 और 32,000, 1,62,000 तो कम लग रहा है, और यहाँ का टोटल ज़्यादा है 2,10,000, 2,08,500, 2,43,300 माइनस 1,62,000, 81,300 रुपीज़ लेकर आएगा कौन, मिस्टर ए बाई बैंक, क्योंकि इसका डेबिट का टोटल जाता था और क्रेडिट का टोटल कम था, तो ये पैसे लेकर आएगा ना कि लेकर जाएगा। बहुत सारे पार्टनर्स कैपिटल आप जानते हो, सिर्फ रियलाइजेशन बनाने में जितनी मेहनत जितना दिमाग लगाना है वो सारा रियलाइजेशन बनाना है आपको, बाकी सिर्फ पोस्टिंग करनी है इधर से उठा के रहता। बाई बैंक में कितना आएगा दोस्त, 81,300। ठीक है, इसके बाद आया 1,02,700, इसका टोटल इधर का ज़्यादा लग रहा है और इधर का कम है, 1,02,700, और यहाँ माइनस करना है 16,400, 700 में 400 गए 3, 86,300, इसको पेमेंट करना है हमें कितने का, 86,300, 81,300, 86,300। और लास्ट वाले का लिखते हैं कितना आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है 5,000, इधर का आ रहा है 8,200, तो यहाँ डेबिट कार्ड ज़्यादा है तो इससे भी पैसे लिए जाएंगे, इससे भी क्या किया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे कितने, 3,500 रुपये, है ना, 3,200। तो गाइस कैश पेड करेंगे सिर्फ किसको, बी को, और ए और सी से पैसे लिए जाएंगे। फटाफट से कुछ नहीं करना, पोस्टिंग करनी है उठाकर, आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ जहाँ बैंक है वहाँ नज़र गड़ानी है, चाहे वो रियलाइजेशन में हो या वो किस में हो। सबसे पहले बैंक का बैलेंस है आपका 17,700, 2 बैलेंस बीडी, फिर है आपका यहाँ कहीं बैंक, यहाँ कहीं बैंक, यहाँ कहीं बैंक, यहाँ कहीं बैंक, बैंक 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 है ही नहीं, सारी एसेट्स को लेके था ये, इधर इधर ए दो जगह है, 15,000 और 900 का, तो इधर 15,000 और 900 बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब करते हैं बैंक का ट्रांसफ़र, इधर जो आई है चीज़ उधर आएगी, 81,300, 3,200 और 3,200
जीरो जीरो, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसको क्या लिखेंगे, टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल, सेम चीज़ इधर, यहाँ कहीं बैंक है इधर लिख दिया दो जगह, एक जगह और 86300 बाई बीस कैपिटल, टोटलिंग करते हैं 3 और 9 12 87 92 1,02,200 इधर 81 98 1,01,000 1,02,200 क्लियर है गाइस। ये हो गया आपका बैंक का टोटल। आगे की बात करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ पोस्टिंग करिए इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर। बैलेंस शीट के टोटल की मैं बात करूँ, ये बैलेंस शीट का टोटल क्या है, ये गाइस 210,500 बहुत पहले सारी चीज़ें अब ए के फॉर्म में चली जाएंगी, ये सारी चीज़ों को एसेट्स में डालने का और अपनी 210,500 रुपये से कैपिटल को स्टार्ट करेगा। चाहो तो बैलेंस शीट बना देना, अदरवाइज ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी सारी एसेट्स है ये सारी ए की बैलेंस शीट में चली जाएंगी, बिकॉज अब ए सारा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, सारी चीज़ें एसेट साइड में और क्रेडिट साइड में कैपिटल, सिर्फ कैपिटल सादा वाली, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।